ताजी भास्कर जी, उपस्थित शिक्षकगण तथा छात्र और छात्रा, मिशन शक्ति जब हम ये नाम लेते हैं तो हम स्त्रियों की जो भी पहले समस्याएं रही हैं या आज के दौर में जो समस्याएं हैं उनके बारे में उस पर चर्चा करके और सॉल्यूशंस भी खोजने की कोशिश करें कि आखिर हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि जिससे उनकी स्थितियों में सुधार हो सके। जैसे भी कई वक्ताओं ने कहा कि दोनों एक बराबर नहीं है, मतलब हमारा समाज स्त्रियों से, अगर स्त्री भी काम करेगी तो वो हमें कंट्रीब्यूट करेगी, जैसे अभी किसी ने कहा, जबकि ये नहीं है, हम दोनों एकदम एक बराबर हैं। लेकिन बहुत पहले से, मतलब मध्यकाल से या कहना चाहिए वैदिक काल के अंत होते होते, हम देखते हैं कि बहुत सी समस्याएं हमारे समाज में शुरू हुई और कुछ ऐसी समस्याएं कि जो पहले थी बहुत प्रचंड रूप में, आज कम हुई है किन कारणों से, उन पर भी चर्चा करेंगे। और कुछ ऐसी है जो आज बहुत प्रचंड रूप में है और पहले वो थोड़ा कम थी, जैसे कि आज की जो एक बहुत बड़ी समस्या रही है, अभी तो उसके पर इतने कड़े कानून बनाए गए इसलिए वो थोड़ा ठीक चल रही है, वो है कन्या भ्रूण हत्या। अगर उसी तरीके से चलता होता सब कुछ जैसा आज से करीब करीब 10 साल पहले था तो शायद इस सभागार में आधे लोग रहते स्त्रियों, क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी से कन्याओं को मारा जा रहा। मध्यकाल में ये समस्या नहीं थी शायद, क्योंकि उस समय इस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, लोगों को पता नहीं था कि ऐसा भी किया जा सके। फिर हम देखते हैं बाल विवाह। बाल विवाह ऐसे तो जब हम लोग शहर में देखते हैं तो हमें कम दिखता है कि बच्चों की शादी हो रही है, लेकिन गांव में अभी भी है। अगर हम राजस्थान वगैरह के गांव में जाएं तो वो दिखाई देता है, ऐसे ही पर्दा प्रथा। और ये दोनों प्रथाएं जो हैं वो हमारे घर की जो लड़कियां हैं उनकी शिक्षा को डायरेक्ट इफेक्ट करती है। फिर दहेज, दहेज तो पहले भी था और अभी भी है, कितनी स्त्रियां इसके कारण जला दी जाती, अभी भी लोग उससे त्रस्त हैं। विधवाओं की स्थिति मिडिल पीरियड में तो बहुत ही ज्यादा बुरी थी, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं अब सब कुछ ठीक है, क्योंकि आप बनारस चले जाइए, आप मथुरा चले जाइए, आपको बहुत सी विधवाएं आपको ऐसे विधवा आश्रम में रहती हुई मिलेंगी और स्थितियां उतनी अच्छी नहीं है। सती प्रथा, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1987 में लास्ट सती रिकॉर्डेड है, मतलब अभी की एकदम 1987 कितने दिन हुए हैं। और मिडिवल पीरियड में तो ये प्रथा अपने चरम पे, जब जैसे ही पति की मृत्यु होती थी तो जबरदस्ती उनको सती करा दिया जाता था, सती प्रथा के नाम पर। और सामाजिक असुरक्षा जो पहले थोड़ा कम थी क्योंकि लड़कियों को अंदर रखते थे, लेकिन अब वो क्योंकि काम करने के लिए बाहर जा रही तो हम रोज देखते हैं, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, सामाजिक असुरक्षा। तो जब इतनी सब चीजों को देखते देखते एक ये प्रश्न होता है, क्या हमारी सभ्यता ऐसी ही रही है, क्या हम ऐसे, क्या स्त्रियों की हमेशा से ऐसी ही स्थिति रही है, ये एक प्रश्न कहीं ना कहीं मन में उठता है।
देखकर आश्चर्य होगा, वो सुखद आश्चर्य होगा कि इस सभ्यता और संस्कृति का जो आदिम युग है, जिसको हम वैदिक पीरियड कहते हैं, वैदिक काल कहते हैं, उसमें इनमें से एक भी प्रॉब्लम, जितनी ये वैदिक प्रॉब्लम्स बोली है, कोई थी ही नहीं समाज में। मेरे लिए भी ये बहुत बड़े आश्चर्य का विषय, मुझे भी लगा कि आखिर क्या था जो राजा राममोहन रॉय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी, और हमारे दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, क्या उन्होंने ऐसा क्या जाना कि उन्होंने महिलाओं की स्थिति में इतना योगदान किया। हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं कि क्या सच में स्थितियां थी, जैसे हम कहते हैं ना बाल विवाह, उस समय हर एक, चाहे वो बालक हो बालिका हो, सबका उपनयन होता, नयन जानते जनेऊ हो गया, और जनेऊ करके फिर उनको शिक्षा दी जाती, उनको पढ़ाया जाता, सारे विषय पढ़ाए जाते थे। वो सबसे अच्छी बात क्या होती थी, उनको स्किल एजुकेशन दी जाती कि वो आत्मनिर्भर हो गए। कोई भी लड़की जब वो पढ़ाई करके बाहर निकलती थी तो ऐसा नहीं है कि वो बेरोजगार हो गए, जैसे अभी हम देखते हैं शिक्षित बेरोजगारों की लाइन लगी थी, ऐसा नहीं। और फिर एक युवक और युवती अपने मन चाहे वर का या वधु का चयन करते थे, क्योंकि वो बड़े होते थे, वो समझ सकते थे उस समय में। मतलब ये सब मैं आपको वैदिक मंत्रों के आधार पर कह रही हूँ, जो सब वेदों में लिखा है, डॉक्यूमेंटेड है, ऐसा नहीं है कि कोई सोची समझी बात है। वो कहते हैं कि उन लड़कियों को अच्छा नहीं माना जाता जो किसी भी लड़के के रूप और धन को देखकर उससे विवाह करते, कहते हैं जो ऐसी लड़कियां हैं जो गुणों को देखती हैं, कंपैटिबिलिटी को देखती हैं, उनको अच्छा माना जाता। तो बाल विवाह का उस समय में प्रश्न ही नहीं था। और पर्दा प्रथा, आप सोचिए कि इतनी बड़ी बड़ी सभाओं में और स्त्रियां वाद विवाद, आप जानते हैं ना शास्त्रार्थ जिसको कहते हैं, भरी सभा में शास्त्रार्थ, वेदांत उपनिषद में गार्गी का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने ये डिसाइड किया कि हाँ ये याज्ञवल्क ही सच्चे अधिकारी हैं, इस जैसे कहते हैं ना फर्स्ट प्राइज प्राप्त करने। और वो कोई अकेली नहीं थी, वेदों की रचना आपको मालूम है, जब हम लोग यूएस में थे तो एक साउथ इंडियन विमेन का ग्रुप था, वो आपस में मतलब बड़ा अच्छा लिटरेरी ग्रुप था, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आप कुछ हमें बताइए वेदों उपनिषदों इन सब के बारे में, क्योंकि सबको जानने की इच्छा होती है कि क्या था हमारे अतीत। तो जब मैंने उनको बताया कि ऋग्वेद में अकेले हमें 26 ऋषिकाएं मिलती हैं जिन्होंने इतने सुंदर मंत्रों की रचना करी है और वो मंत्र अभी भी यूज हो रहे, तो उनमें से वो लोग मतलब देवे इन और कि ये कैसे, क्योंकि वी आर नॉट अलाउड टू रिसाइट वेदास, दिस कि हम वेदों को पढ़ नहीं सकते, हमें अनुमति नहीं है। हमारी पूर्वज महिलाएं जिन वेदों की रचना कर सकती हैं, उन्हीं की परंपरा में जन्म लेने वाले हम उनको पढ़ भी नहीं सकते, ये स्थिति। और चारों वेदों में हमें ऋषिकाएं मिली जिन्होंने मंत्रों की रचना की, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे मंत्र। और क्योंकि ना तो बाल विवाह होता था ना पर्दा प्रथा थी, इस तरह से उनको एजुकेशन दी जाती थी, तो वो आत्मनिर्भर रहती थी। उनको किसी का, जब हम पूरे वेदों को एनालाइज करते हैं, देखते हैं, तो इतना जैसे स्त्री एक अलग ही दुनिया में लगता है वहाँ रह रही, वो
रथ चलाती थी, वो वस्त्र बुनती थी, वो मंत्रों की रचना करती थी, वो युद्ध में जाती थी। विश्वला का उल्लेख मिलता है, उनका पैर कट गया युद्ध करते करते। तो उस समय के वैद्यों का नाम होता था अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमारों ने उन्हें लोहे का पैर लगाया और वो फिर से युद्ध में जाने को तैयार हो गए। मुद्गलानी जिन्होंने पूरी सेना का संचालन किया, सेनापति थी, एक पूरी सेना का उल्लेख मिलता है जो सिर्फ स्त्रियों की। रही बात दहेज की, तो दहेज का तो नाम भी नहीं था। विवाह को एक संस्कार माना जाता था, ना कि आजकल की तरह कोई फंक्शन। आप जानते हैं कि स्त्रियों की दशा गड़बड़ होने के पीछे बड़े बड़े सारी, जैसे हम इन पे ध्यान नहीं देते, लेकिन ये बहुत साइलेंट कारण है। एक पिता बेचारा, एक माँ कितना इकट्ठा करे, दहेज नहीं भी ले रहे हैं तो भी करोड़ों रुपए सिर्फ सजावट में और बड़े बड़े होटल्स में शादी करने में व्यर्थ हो जाते हैं। और अंत में क्या होता है, जब संस्कार का टाइम आता है तो कहा जाता है पंडित जी जरा जल्दी जल्दी करा दीजिए। कोई ये समझने को ही नहीं तैयार है कि इन संस्कारों में ये जो वचन है, ये वैदिक काल के वचन है, ये अभी के नहीं है, उसमें सब वैदिक मंत्र पढ़े जाते। तो जो वधु है वो अलग अलग वचन देती और जो वर है वो अलग अलग वचन देता। उनको हमें जीवन भर निभाना होता है, इस तरह की सामाजिक व्यवस्था। फिर हम विधवाओं की स्थिति पे आते हैं। आप जानते हैं इतना बड़े आश्चर्य की बात है कि वेदों में विधवा ऐसा कुछ स्थितियां नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं था कि पुरुष नहीं मरते थे, लेकिन वो कहते हैं कि ठीक है उसकी मृत्यु हुई है, तुम्हारी नहीं, और तुम्हारा पूरा जीवन पड़ा है, तो तुम उठो और किसी दूसरे का पाणिग्रहण करो और अपने जीवन को ठीक से जियो। एक स्त्री को वो 10 विवाह तक कर सकती थी, कि अगर मान लीजिए कोई 10 विवाह नहीं करने जा रही है, लेकिन मान लीजिए किसी और से उसने विवाह किया और उस पति की भी मृत्यु हो गई, तो वो दूसरी शादी कर सकती। इसी तरह पुरुष के लिए भी था, अगर उसकी पत्नी नहीं है, क्योंकि पत्नी के बिना वो यज्ञ का अधिकारी नहीं होता था। उस समय का सबसे बड़ा काम होता था यज्ञ करना, और बिना पत्नी के कोई भी यज्ञ का अधिकारी नहीं होता था, इसलिए उसको विवाह करना ही पड़ता। फिर सामाजिक असुरक्षा, जिसको हम आजकल सब तरफ देखते हैं, पहले भी थी अभी भी है, ऐसा लगता है कि हमेशा ही ये रहे। मैंने इसका इतनी माइन्यूटली चारों वेदों में अध्ययन किया कि कहीं मुझे ऐसा मिले कि किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार, कोई बलात्कार, दुर्व्यवहार नाम का शब्द ही नहीं। तो आखिर क्या है, क्यों ऐसा हुआ, क्या परिस्थितियां रही होंगी? क्योंकि जब तक हम अतीत को सिर्फ जान लेना, समझ लेना बड़ी बात नहीं है, अतीत से प्रेरणा लेकर अगर हम आज में अपने कुछ परिवर्तन कर सकते, तभी हम अपने आज को भी बेटर बना सकते हैं और वही हमारे एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि उस समय में स्त्रियों को बहुत आदर दिया जा सकता। एक स्त्री जिस समय विवाह होके घर आती थी तो उसको साम्राज्ञी कहा जाता, कि ये एक रानी की तरह आई है, ना कि नौकरानी की। और ये जो आदर दिया जाता था ना, ये बहुत बड़ा कारण है।
हमारे समाज में यही एक आदर कहीं नहीं है, जो ना तो स्त्रियों में है। स्त्रियां भी अपनी बेटी की तरह थोड़ा सा कम की दृष्टि से देखती है, बहुओं की तरह कम दृष्टि से देखती है, और पुरुषों में तो बहुत ही कम है। उनको तो लगता है कि ये हमारे लिए कोई कॉमोडिटी है, जबकि ऐसा नहीं है। और यही चीज उस समय में बहुत ज्यादा थी। तो हमें अपने लोगों को, सबको, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, घर से शुरुआत करनी है और एक एक को संस्कारित करने की जरूरत। ये सबसे बड़ी नीड है। फिर जब वैदिक काल को देखते हैं तो ये समझ में आता है कि क्योंकि स्त्रियां शिक्षित थी, आत्मनिर्भर थी, इसलिए उनका कोई भी, मतलब वो बड़े अच्छे से रहती थी। और हम अंतर क्या देखते हैं अभी शहर की लड़कियों में या गांव की लड़कियों में, या हमने जैसे बात करी अशिक्षा की कि भाई कई कई जगह क्योंकि पर्दा तथा बाल विवाह की वजह से अशिक्षा है, तो अशिक्षा की वजह से हम किसी को भी कैसे भी एक्सप्लॉयट कर सकते। तो शिक्षा ठीक है, बहुत अच्छी योजनाएं चली हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब, तो उनको और अच्छे से लागू करने की जरूरत है, जिससे हमारी जो बेटियां हैं वो शिक्षा से किसी भी तरह से वंचित ना रहे। और स्त्रियों के प्रति अपराध के जो कानून बनाए गए हैं उनको बहुत शीघ्रता अति शीघ्र लागू करना चाहिए, जिससे लोगों में उनके प्रति अपराध करने का एक जो भय होता है वो व्याप्त हो। और स्त्रियां एक दूसरे की सहायता करें, ये बहुत जरूरी है। आप यू कैन रेज योर वॉइस। कभी आप देखिए किसी स्त्री के साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है, किसी लड़की के साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते, यू कैन रेज योर वॉइस, वो उतना तो कर सकते हैं। और जो विवाहों में ये बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की जो पद्धति चली है उस पर भी हमें कंट्रोल करना। ऐसे तो बहुत ढेर सारी बातें हैं, लेकिन मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि कुछ अगर हम अपने अपने से सीखेंगे तो हम अपने आज को भी अच्छा बना पाएंगे और हमारा कल भी स्वर्णिम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इतनी सारगर्भित बातें बताने के लिए हमें। अब मैं अपनी एक जो कन्वीनर है मिशन शक्ति की वर्सेटाइल प्रोफेसर भद्रमा मैम, उनको बुलाना चाहती हूँ कि वो दो शब्द कुछ कहें।